राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर रेडियो पत्रिका बाल प्रभा। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कार्यक्रम वीर अभिमन्यु। महाभारत का युद्ध हो रहा था। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध करने चले गए थे। कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचने की घोषणा कर दी थी। चक्रव्यूह की इस घोषणा से युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। पास ही भीम, नकुल और सहदेव भी माथे पर हाथ रखे बैठे थे। वे सोच रहे थे कि आज जब अर्जुन यहां नहीं है तो युद्ध का संचालन कौन करेगा। बात यह थी कि पांचों पांडवों में अर्जुन के अतिरिक्त चक्रव्यूह को भेदना कोई नहीं जानता था। अर्जुन इस समय थे नहीं, इसलिए युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी चिंतित हो रहे थे। हार जीत का प्रश्न था। कौरवों की ये बड़ी चुनौती थी। कौशल से रचे चक्रव्यूह को भेद कर शत्रुओं का सामना कौन करेगा। यही सब सोचकर युधिष्ठिर चिंता मग्न थे। भीम अपनी गदा से चक्रव्यूह के टुकड़े टुकड़े करने का दावा कर रहे थे, परंतु ये काम इतना आसान न था। चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही कठिन था। इतने में बाहर से कुछ शोर सुनाई पड़ा और दौड़ता हुआ अभिमन्यु शिविर में घुसा। उसने पहले महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया, फिर औरों को। महाराज युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दिया और पूछा, अभिमन्यु तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो, क्या बात है? आज मैं युद्ध करने जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, अभिमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा। भीम उत्तेजित होकर बोले, तुम आज तुम युद्ध करने जाओगे? आज का युद्ध तो बहुत भयंकर है। जानते हो, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है और उसे भेदना तुम्हारे पिता अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को नहीं आता। तुम तो अभी बालक हो पुत्र। मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है महाराज, आप आज्ञा तो दीजिए। पिताजी एक बार माँ को चक्रव्यूह भेदने की विधि बता रहे थे, मैंने उसे सुन लिया था।
हां चक्रव्यूह से निकलने की विधि मैं नहीं सुन सका था, किंतु उससे क्या, जब उसमें घुस जाऊंगा उसको भेद ही दूंगा तो फिर निकलना कौन कठिन बात होगी। अभिमन्यु ने बड़े ओज भरे शब्दों में कहा। युधिष्ठिर बोले, तुम बालक हो, केवल 16 वर्ष के। गुरु द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? नकुल और सहदेव ने कहा, महाराज और उपाय ही क्या है, अभिमन्यु को आज्ञा दीजिए, हम इसकी रक्षा के लिए इसके साथ ही रहेंगे। हाँ हाँ, और मैं भी गदा लिए इसके साथ चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा। भीम ने गदा घुमाते हुए कहा। युधिष्ठिर करते भी क्या, वे बोले, तो फिर ठीक है, आज तुम ही सब युद्ध करने जाओ, पर मुझे इस युद्ध का समाचार देते रहना। जी महाराज। अभिमन्यु सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा ही था कि रणभेरी बज उठी। बस फिर क्या था, युद्ध छिड़ गया। अभिमन्यु शत्रुओं को मारता काटता आगे बढ़ता जा रहा था। उसके भीषण बाणों की चोट से बड़े बड़े वीर आहत और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। सामने ही चक्रव्यूह का प्रथम द्वार था जिसकी रक्षा जयद्रथ कर रहा था। अभिमन्यु ने एक बाण जयद्रथ को मारा और चक्रव्यूह में घुस गया। द्वार के रक्षक पीछे हट गए। सोचने का समय ना था, ना पीछे मुड़कर देखने का। अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह के द्वार के पार निकल गया। भीम, नकुल और सहदेव द्वार पर ही युद्ध करते रह गए। वे व्यूह के भीतर न घुस सके। दूसरे द्वार पर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य व्यूह का संचालन कर रहे थे। वे चकित से अकेले बालक को देख ही रहे थे कि अभिमन्यु ने अपने बाण से उनका धनुष काट दिया और फिर तीव्र गति से उसके सारथी ने रथ को तीसरे द्वार पर ला खड़ा किया। अभिमन्यु जिस वेग से अपने चारों ओर बाण छोड़ रहा था उससे शत्रुओं का उत्साह एकदम मंद पड़ गया। उस वीर बालक का सामना करने में कर्ण और दुर्योधन जैसे वीर भी असमर्थ रहे। जब अभिमन्यु छठा द्वार भी पार कर गया तो कौरवों को चिंता हुई। इतना बड़ा चक्रव्यूह रचकर भी 16 वर्ष के बालक से कहीं उन्हें मुंह की ना खानी पड़े। और तब दुर्योधन की सलाह से सातों द्वारों के योद्धा मिलकर अभिमन्यु पर टूट पड़े। ये देखकर अभिमन्यु का सारथी बोल उठा, ये अन्याय है, मैं तीव्र गति से रथ को मोड़कर
तुम्हें सुरक्षित बाहर ले चलता हूं। कल अर्जुन के साथ आएंगे और युद्ध करेंगे। नहीं नहीं, अर्जुन का पुत्र होकर मैं युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखा सकता। तुम रथ को सातों महारथियों के बीच में घुमाते रहो और फिर देखो मेरा कौशल। अभिमन्यु बोला। सारथी रथ को घुमाने लगा। अभिमन्यु के तीरों के प्रहार से शत्रुओं के छक्के छूट रहे थे। पर तभी एक तीर उसके धनुष की डोरी को काटता हुआ निकल गया। अभिमन्यु ने धनुष फेंक दिया और तलवार निकालकर शत्रुओं का मुकाबला करने लगा। उसी समय कर्ण का एक बाण सारथी की छाती को भेदता हुआ निकल गया। सारथी गिर पड़ा। अभिमन्यु रथ से कूद पड़ा और शत्रुओं पर वार करने लगा। किंतु दुर्भाग्य से उसकी तलवार के दो टुकड़े हो गए। एक तीक्ष्ण बाण उसके कंधे में लगा। अभिमन्यु फिर भी विचलित ना हुआ। उसने अपने रथ का पहिया उठा लिया और उसे घुमाता हुआ अपनी रक्षा करने लगा। इसी बीच दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर गदा फेंककर घातक प्रहार किया। अभिमन्यु ने उसी गदा से उसका काम तमाम कर दिया। और स्वयं वीर गति को प्राप्त हुआ। कहां सात सात महारथी और कहां 16 वर्ष का अभिमन्यु। परंतु उसके साहस और शौर्य का कोई मुकाबला न था। अभिमन्यु वीर गति को अवश्य प्राप्त हुआ, परंतु विपक्षियों के मन को जीत कर। वीर अभिमन्यु। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, कीमती आनंद, विद्याभूषण और दीपांश। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।